पूरा फाड़ क्या है आज फाड़ दिए अब क्या कीजिएगा, एग्जाम खत्म हो गया, छुट्टी हो गया तो मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज फ्री फायर डाउनलोड, मौज मस्ती कर रहा पहले 10 दिन फिर सोच रहा है क्या करना है। हाँ, कैसा हुआ एग्जाम आप लोग? एकदम बस। एक दो क्वेश्चन बताइए थोड़ा, हम लोग भी जाने कैसा है। एक दो क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन बताइए जरा, पेपर देखना पड़ेगा। पीसीबी लेंगे? पीसीबी पीसीए। दिल्ली में एडमिशन ले चुका है। अच्छा। और उसका सेशन 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद क्या प्लानिंग है क्या आप लोग? मेरा भांजा है। एग्जाम कैसा हुआ आप लोग का? एग्जाम मेरा उतना भी अच्छा नहीं गया, बट मेरा आपके भी घर से है कोई बेटी है। अच्छा, तो क्या करेंगे टेंथ के बाद? एग्जाम आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे क्या करेंगे? आप क्या, कैसा हुआ आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत इजी आया था। देखिए, बहुत कुछ सोचे हैं, लेकिन इस सृष्टि पे सब खेला इसका है, ये पैसा है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद जो बच्चे हैं ये सारे जो है स्कूल से निकल रहे हैं और क्रिकेटर बनेंगे। भले टीचर थोड़ा टफ भेज देता है। चाहते हैं टेंथ के बाद पीसीएम लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन LAN एंड WAN। लैंड एंड मैन, क्या फुल फॉर्म होता है लैंड का? ये बनना है मुझे ऐसा। वो IAS। IAS बन। अब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अभी तो आप दो कई दोस्त मिलेंगे भी नहीं। हाँ भाई, जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज CBSE बोर्ड का 10th का आखिरी एग्जाम है और मैं खड़ा हूँ विवेकानंद सेंट्रल स्कूल के बाहर। यहाँ पे गार्जियन भी हैं और स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। आइए जानते हैं उनसे, आखिर एग्जाम खत्म होगा, आखिरी एग्जाम, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे। आज आखिरी एग्जाम है, अपने बच्चे को लेने के लिए आए हैं, तो क्या है आपके बच्चे के लिए, क्या प्लानिंग है, कर रहे हैं आप लोग, क्या सोचे हैं? अभी तो वो 10th का एग्जाम दिया है, तो उसका एंट्रेंस हुआ था फिटजी का, आगे का इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए वो दिल्ली में एडमिशन ले चुका है। अच्छा। उसके बाद क्या प्लानिंग है क्या आप लोग? मेरा भांजा है और अभी का टाइम जो होता है ना 10th के बाद, अभी बहुत ये हो जाता है कि डिसाइड करने में कि क्या लेना है नहीं लेना है। अभी अगर सही डिसाइड नहीं हो पाया तो आगे का बहुत टेंशन है, और सही डिसीजन लेने में और बच्चा लोग को थोड़ा देना चाहिए छूट भी, क्या पसंद है नहीं पसंद है, और ख़ास करके गार्जियन लोग को ध्यान रखना है कि प्रेशर ना दे कि तुमको इतना मार्क्स ये चाहिए या फिर आगे तुमको यही करना है। कभी भेजे नहीं, कभी अकेला छोड़े नहीं, तो टेंशन तो होता है। बाहर भेजने का प्लान नहीं है अभी? हाँ, बस अगर जरूरत पड़े तो भेजना ही पड़ेगा, एजुकेशन का बात है और व्यवस्था वैसा नहीं मिल पाए तो थोड़ा दिक्कत तो है। बिल्कुल। और भी पेरेंट आपके भी घर से है कोई? बेटी है। अच्छा, तो क्या करेंगे 10th के बाद? एग्जाम आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे क्या करेंगे, आपका कितना रोल रहेगा उसमें? बच्चा का तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा, जहाँ जिस चीज में जाएगा उसको मैं सहयोग करूँगा। अभी तो कोई प्लानिंग ऐसा? ऐसा तो अभी नहीं है, लेकिन उसका कुछ है, उसका प्लानिंग तो आगे फ्यूचर सोचा जाएगा। तो मतलब छुट्टी के बाद आज के बाद वो क्या करेंगे? आज के बाद फिर पढ़ाई करेंगे, फिर अपना आगे कुछ स्टेप लेंगे, कुछ तैयारी करेंगे। अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं? सोचे नहीं है। क्या है, आपके बच्चे भी यहाँ पे हैं जी? हाँ, क्या करने वाले हैं, क्या सोचा है उसके बारे में? देखिए, बहुत कुछ सोचे हैं, लेकिन इस सृष्टि पे सब खेला इसका है, ये पैसा है, तो बच्चे बच्चिया को एजुकेशन दे सकते हैं, और नहीं तो फिर गार्जियन को तकलीफ है। तो फिर भी अभी क्या करेंगे, आज लास्ट एग्जाम हो जाएगा इनका, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो ताकत होगा उसके अनुसार करेंगे। अभी कुछ नहीं सोचे हैं? क्या सोचेंगे, जो यहाँ लिखा रहेगा वही होगा। कुछ प्लानिंग किए होंगे ना? क्या प्लानिंग, आपको तो बोल दिए हैं फुल ये नहीं अगर कि फुर्जी बेचेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे की कमी है, और भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे जो हैं 10th का एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है टाइमिंग, और जितने बच्चे हैं वो लोग एग्ज़ाम दे के अभी बाहर आ रहे हैं, और बच्चे से पूछेंगे आखिर 10th का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया है तो वो क्या करेंगे। बोर्ड का, CBSE बोर्ड का 10th का फाइनल एग्ज़ाम आज, मतलब आखिरी एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो बच्चे हैं ये सारे जो है स्कूल से निकल रहे हैं, और देखिए क्या है, बच्चे लोग सारे जो निकल रहे हैं। कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा गया। किस चीज़ का एग्जाम था? कंप्यूटर का था। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन अच्छा था सर, ठीक था क्वेश्चन। हाँ, तो अब 10th खत्म हो गया, आखिरी एग्जाम, इसके बाद क्या करने का प्लान है? जेई के लिए कोचिंग। जेई के लिए कोचिंग? साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे? साइंस। साइंस लेंगे? साइंस लेंगे। साइंस लेंगे? साइंस लेंगे। साइंस। साइंस लेंगे। कैसा गया आज का एग्जाम? अच्छा ही गया, मतलब जितना एक्सपेक्ट किए थे वैसा ही क्वेश्चन आया। वैसा ही क्वेश्चन आया। तो यही हजारीबाग में ही एडमिशन लेंगे, बाहर जाएंगे? नहीं, अभी 11th 12th यहीं हजारीबाग में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आज 10th का एग्जाम खत्म हो गया, कैसा हुआ आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत इजी आया था।
तो इस 10th के बाद क्या करेंगे आप? 10th के बाद साइंस लेंगे। आप लोग? हम भी पीसीबी लेंगे। पीसीबी? पीसीएम। पीसीएम, पीसीबी और आप? पीसीबी। पीसीबी मतलब बायोलॉजी के लिए। हाँ। मेडिकल करना चाहते हैं। हाँ। तो क्या हजारीबाग में रहेंगे आप लोग, बाहर जाएंगे? अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन शायद बाहर जा सकते हैं, रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा। अभी मेरा तो प्लान बाहर जाने का है। बाहर जाने का? हाँ। आपका? हम हजारीबाग में रहेंगे। हजारीबाग। तो अभी क्या करेंगे, 15 दिन है गए आपके पास, स्पेस है, तो क्या छुट्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे? एंजॉय करेंगे। और भी बहुत बच्चे हैं जो निकल रहे हैं एग्जाम देके। कैसा हुआ एग्जाम 10th का? ठीक हुआ। 10th के बाद क्या कीजिएगा? पीसीएम लेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में। इंजीनियरिंग जाइएगा। कैसा हुआ एग्जाम? पूरा फाड़ क्या है आज? फाड़ दिए सर। अब क्या कीजिएगा, एग्जाम खत्म हो गया, छुट्टी हो गया, तो मौज करेंगे, मौज करेंगे, मौज, फ्री फायर डाउनलोड, मौज मस्ती कर रहा पहले 10 दिन, फिर सोच रहा है क्या करना है इसमें। 10th के बाद क्या कीजिएगा? अभी सोचे नहीं, अभी टाइम है, रिजल्ट से पहले सोच लेंगे, अभी क्रिकेटर बनेंगे, क्रिकेटर। ठीक है, तो देखिए स्कूल से बच्चे निकल रहे। कैसा हुआ एग्जाम? कैसा हुआ? किस किस का एग्जाम था? कंप्यूटर, कंप्यूटर। क्या एक दो क्वेश्चन बताइए जरा। पेपर देखना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत इजी था एग्जाम, पेपर एकदम हलवा था, यूपीएससी बहुत हलवा पेपर सेट किया था, भले टीचर थोड़ा टफ भेज देता है। 10th के बाद क्या करना है? 10th के बाद तो नीट करना है, और क्या करना है? 10th के बाद इंजीनियरिंग करना है। सर 10th के बाद क्या करेंगे? सर इंजीनियरिंग करेंगे, साइंस करेंगे। आज का पेपर कैसा हुआ? आज का पेपर? आज का पेपर बहुत ही पेपर पूरा फाड़ दिया है। क्या करेंगे 10th के बाद, क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी सोचेंगे, अभी सोच रहे हैं, सोच लिए, पर पीसीएम लेने से आप लोग लिखा। 10th के बाद क्या करेंगे? 11, 12। क्या सब्जेक्ट क्या लेंगे? साइंस। साइंस क्या करेंगे 10th के बाद, क्या करेंगे? साइंस लेंगे और आगे जाके इंजीनियरिंग करेंगे। आज का एग्जाम कैसा हुआ? आज का एग्जाम मस्त गया एकदम। सही हुआ? हाँ। देखिए ये बच्चे जो हैं लगातार निकल रहे हैं। कैसा हुआ आप लोग एग्जाम, कैसा हुआ? बहुत अच्छा सा हुआ, अच्छा हुआ। 10th के बाद क्या करेंगे आप लोग? पीसीएम लेने वाले हैं। पीसीएम लेने वाले? हजारीबाग में रहिएगा, बाहर जाइएगा? नहीं, यहीं पे रहेंगे, पढ़ाई यहीं पे रहेंगे। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं क्या है? हाँ, वेब सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था, इम्पोर्टेंट था। तो 10th के बाद क्या करेंगे आप लोग? आईआईटी का तैयारी, पीसीएम लेना है। तो हजारीबाग में रहेंगे कि बाहर जाएंगे? यहीं पे रहना है। यहीं पे रहेंगे आप लोग? अच्छा गया एग्जाम। 10th के बाद क्या करेंगे? नीट। नीट इंजीनियरिंग के लिए? मेडिकल। मेडिकल, मेडिकल की तैयारी कर जो है। 10th का एग्जाम देके चेहरे पे खुशी है बच्चों के। कैसा कैसा हुआ आप लोग का एग्जाम? कैसा हुआ? अच्छा हुआ। 10th के बाद क्या करेंगे? पता नहीं, अभी सोचे नहीं है। सोचे नहीं है। 10th के बाद क्या करेंगे? नीट क्लियर करना है। नीट करना है, तैयारी चल रही है। यस। तो देखिए लगातार जो विवेकानंद से बच्चे जो हैं निकल रहे हैं एग्जाम देकर। और हाँ, क्या कैसा हुआ एग्जाम आज का? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। मेरे पास तो साल भर 10th का बुक भी नहीं था, आईटी का और कॉपी का। कल यूट्यूब से पूरा पढ़ के आया, 45 नंबर से ऊपर आ जाएगा 50 में। हाँ। तो 10th के बाद क्या करना है? पीसीएम जेई का प्रिपरेशन, मतलब पीसीएम इंजीनियरिंग का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसके लिए हजारीबाग में रहेंगे, बाहर जाएंगे? हजारीबाग में ही अभी रहेंगे, बाद में बाहर जाना होगा। 11, 12 यहीं से करेंगे। हाँ। देखिए और भी लड़कियां डिस्कस करें। कैसा हुआ एग्जाम, कैसा हुआ आप लोग? एग्जाम मेरा उतना भी अच्छा नहीं गया, बट मेरा प्रिपरेशन भी कुछ खास नहीं था। क्या मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था, हमको सेट 4 मिला था। तो ये 10th के बाद क्या करेंगे आप लोग? 10th के बाद अब डिसाइड किए कि अब साइंस लेना है। साइंस लेना है, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर। तो ये घर पे ही प्रिपेयर करेंगे हजारीबाग में कि बाहर रहेंगे? नहीं, बाहर जाने का प्लान है। बाहर जाने का, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में कोई बहुत अच्छा स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं है, तो उसके लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। आप यहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं अच्छा कॉलेज नहीं है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जिस फील्ड में हमको जाना है, उस फील्ड में हमको नहीं लगता कि यहाँ इस स्टेट में कोई बढ़िया कॉलेजेस हैं। और बेहतर कॉलेज में जाना चाहते हैं आप? ठीक है, अपना सक्सेस करने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, क्या है, कैसा हुआ एग्जाम आज का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। क्या करना चाहते हैं 10th के बाद? पीसीएम लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करना। तो ये हजारीबाग में रह के करेंगे, बाहर जाएंगे? बाहर, हजारीबाग में। तो अभी एग्जाम आपका एडमिशन लेने के पहले थोड़ा टाइम है आपके पास, तो उस टाइम में क्या करेंगे?
पाँच दिन अभी रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद से फिर 11th का नेक्स्ट स्टडी शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा, आप बाहर जा रहे हैं ना, चलिए बढ़िया, आप बेस्ट ऑफ लक है ना, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, कुछ करके लाइए, IIT निकालिए, ठीक है। तो यही है आज का जो माहौल था वो बचल। हाँ, कैसा हुआ एग्जाम आप लोग? एकदम बस। एक दो क्वेश्चन बताइए थोड़ा, हम लोग भी जाने कैसा आया। एक दो क्वेश्चन बताइए, इजी क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन कैसा आया, क्या आया? सबसे सारा इजी था। इजी था, सौ में सौ आएगा आप लोगों को? 50 में 50 मार्क्स का था, 50 में 50। एक दो क्वेश्चन बताइए, हम लोग जानते हैं कि नहीं। सेक्शन ए का वन क्वेश्चन सबसे इजी था, जो चार नंबर। क्या था क्वेश्चन, क्या था? और क्वेश्चन फोर थोड़ा हार्ड। और इधर ये क्वेश्चन नंबर फोर का कुछ कुछ थोड़ा हमको हार्ड लगा। अच्छा, क्या एक पढ़ाई पढ़ के बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन LAN एंड WAN। लैन एंड मैन, क्या फुल फॉर्म होता है लैन का? लिख तो दिए, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, और वैन का? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो अच्छा है, आप लोग जानते हैं पूरा। तो 10th के बाद क्या करेंगे आप? कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे, सीए का। कॉमर्स स्ट्रीम। आप? PCM। आप दोनों कॉमर्स के, कहाँ से करेंगे, हजारीबाग से कि बाहर जाने का? नहीं, 11th 12th तो हजारीबाग से ही करेंगे, फिर कोलकाता जाएंगे। सीए करने का प्लान है आगे क्या? आपका क्या प्लान है आगे? हजारीबाग से इंजीनियरिंग, अभी तो वही इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। तो यही था आज CBSE बोर्ड का 10th का आखिरी एग्ज़ाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो कैसा हुआ, एग्ज़ाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, आगे क्या करेंगे, 10th के बाद क्या करेंगे? आर्ट्स लेने का सोचे। आर्ट्स लेंगे? आर्ट्स या कॉमर्स? आर्ट्स या कॉमर्स। तो आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट लेना चाहती हैं आप? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ये तो 11th 12th में, उसके बाद क्या करेंगे? 11th 12th के बाद क्या प्लान है? हिस्ट्री। हिस्ट्री लेंगे, और उसके बाद फिर क्या, फ्यूचर में क्या करना है? वो अभी नहीं डिसाइडेड है, वो डिसाइडेड। फिर भी कुछ करियर में होगा ना, ये बनना है मुझे ऐसा? वो IAS। IAS बनना है, इसीलिए आर्ट्स देना चाहती हैं, है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, IAS निकालिए, फिर हम लोग इंटरव्यू करेंगे, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर अच्छा गया। अच्छा हुआ। 10th के बाद क्या करेंगे? सर नीट का। नीट की तैयारी कर? यस सर। तो यहाँ हजारीबाग से करेंगे कि बाहर जाना? नहीं सर, बाहर जाना है। बाहर जाना है, कहाँ जाने का प्लान है? सर पटना जाने का है। पटना जाने का, वहीं पे तैयारी करेंगे? यस सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको, बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो देखिए, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग नज़रिया है, कुछ लोग यहीं पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो हैं आर्ट्स लेना चाहते हैं, कुछ लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं। पेरेंट्स से भी हम लोगों ने बात किया, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बाहर भेजना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे का अभाव है तो यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें जो निकल के आ रही हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं जिससे हम लोग बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षरा। तो क्या है, कैसा हुआ आज का एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा था, इजी पेपर्स थे, मतलब रिवीजन करने की वजह से बहुत अच्छा पेपर गया, और ओवरऑल इन्विजिनेशन भी अच्छी थी, बढ़िया था। हाँ, कंफर्टेबल। ये बताइए, 10th के बाद जो है वो क्या करेंगे आप? मैं ह्यूमैनिटीज परस्यू करूँगी। ह्यूमैनिटीज, मतलब आर्ट्स में आप जाएंगे? या। तो ये हजारीबाग रहेंगे कि बाहर? मतलब हजारीबाग ही, अपना स्कूल में ही रहूँगी मैं, यहीं पे करेंगे। हाँ। उसके बाद क्या, ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे, क्या प्लान है? मैं DU का सोच रही हूँ, कि दौलत राम कॉलेज में सोच रही हूँ कि एडमिशन लेने का, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद क्या, कुछ ऐसा एम है क्या, करियर में क्या करना, क्या बनना है? एम तो है, अगर हो पाता है तो मैं जरूर परस्यू करूंगी UPSC करने का। जी हाँ, UPSC का अभी से दिमाग में चल रहा है? हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आई विल ट्राई टू परस्यू दैट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए, IAS भी लोग बनना चाहते हैं लोग, तो अब स्कूल के बाहर का जो माहौल है वो भी हम लोग दिखाते हैं। आखिरी दिन था तो लोग जो है यहाँ पे, हाँ, ये लड़कियाँ जो है देखिए होली खेल रहे हैं यहाँ। कैसा हुआ एग्जाम, कैसा हुआ? IIT का एग्जाम ठीक गया, बाकी सब बहुत अच्छा गया है। 10th के बाद क्या करेंगे? 10th का भाई स्कूल ही करेंगे अपना। नहीं नहीं, कौन सब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे? वो तो ले चुका मैंने, PCM ले लिया है। PCM ले लिया। हाँ। वही पढ़ाई करेंगे। हाँ। तो अब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अभी तो आप तो कई दोस्त मिलेंगे भी नहीं। हाँ। तो भाई चल रहा है, आखिरी डे है तो थोड़ा। बिल्कुल, तो देखिए लास्ट डे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ जो यहाँ पे है एग्जाम दे के आए हैं। इसके बाद जो है तैयारी क्या है, कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया, बढ़िया हुआ। 10th के बाद क्या करना है? PCM। PCM लेना है, यही हजारीबाग में रहेंगे, बाहर जाएंगे? हजारीबाग। तो यही है, आखिरी दिन जो है लोग इंजॉय करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन माहौल यही है हजारीबाग में कि CBSE 10th बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और बच्चे जो है अपने अपने घर जाएँगे, कुछ लोग तैयारी करेंगे, कुछ लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो यही है, लेकिन माहौल यही है कि एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म होने के बाद
ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पैज नंबर जोहार हजारीबाग।